नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम झारखंड के भूगोल का सीरीज़ कर रहे हैं और ये झारखंड के भूगोल का 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से के जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि हमारे जो लेसन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस लेसन को समझने में आपको वे 6 लेसन मदद करेंगे। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, आज हम लोग कोल्हान प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, यहाँ के जो ज़िले बने वो कब कब और किस प्रकार से बने, उसके बाद यहाँ की जो धरातलीय स्वरूप है उसका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, फिर यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं उनको देखेंगे, फिर यहाँ की मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा यहाँ की किस प्रकार की है, उसके बाद प्रमुख जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यान या पक्षी विहार कौन कौन से हैं उनको देखेंगे, फिर इन सब टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। फिर अंत में मैं हर दिन की तरह आपको एक प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है घेरा हुआ, यही कोल्हान प्रमंडल है। तो इसमें कितने ज़िले हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा। कौन कौन से हो गया, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय चाईबासा है। अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि कोल्हान प्रमंडल झारखंड के 5 प्रमंडलों में से एक है और यहाँ के 3 ज़िले कौन कौन से हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। यहाँ का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ का मुख्यालय चाईबासा है जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो ज़िले हैं वो कब कब और किस प्रकार से इसका गठन हुआ। जब कोल्हान प्रमंडल के ज़िलों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, जब उनका गठन नहीं हुआ था, तब ये जो टोटल एरिया था, यहाँ से आप पश्चिम सिंहभूम को मिला के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, ये तीनों सिंहभूम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पश्चिम सिंहभूम से और पूर्वी सिंहभूम दोनों का अलग किया गया। कब अलग किया गया, 16 जनवरी, ये डेट आपको याद कर रखनी है, 16 जनवरी 1990 को, 16 जनवरी 1990 को पश्चिम सिंहभूम से पूर्वी सिंहभूम को अलग किया गया। ये दोनों एक ही दिन अलग हुआ, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। और फिर राज्य पुनर्गठन के बाद सरायकेला खरसावा को अपनाया गया, कब, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को सरायकेला खरसावा बना। 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को सरायकेला खरसावा बना। सरायकेला खरसावा किस जिले से कट कर बना, वो पश्चिम सिंहभूम से कट के सरायकेला खरसावा को बनाया गया। इसके समरी देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम सिंहभूम अलग हुआ, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, वही दिन उसी डेट को पूर्वी सिंहभूम भी अलग हुआ, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 को। फिर उसके बाद जो पश्चिम सिंहभूम है इसको काट करके एक नया ज़िला सरायकेला खरसावा बनाया गया। कब बनाया गया, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को सरायकेला खरसावा बना। ये किस जिले से कट करके बना, पश्चिम सिंहभूम से कट करके बना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ की जो धरातलीय स्वरूप है इसका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ के मैदानी क्षेत्र में चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख है, क्योंकि आप मैप से देख सकते हैं ये रहा चाईबासा का मैदान और यही सबसे बड़ा मैदान है, इसीलिए यहाँ चाईबासा का मैदान आपको याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखना है कि कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ स्थित है, पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। देखिए चाईबासा पूर्वी मध्यवर्ती भाग में आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसका आपको याद रखना है कि चाईबासा का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है, पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। फिर इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में दलमा का श्रेणी है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं मैप से, ये रहा दलमा का श्रेणी। उसके बाद इसके पूर्व में ढालभूम का श्रेणी, ये रहा ढालभूम का श्रेणी। फिर दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी है, ये रहा दक्षिण जो नीचे साइड है कोल्हान की पहाड़ी। उसके बाद पश्चिम में सारंडा का हो गया, सारंडा का जंगल होता है। फिर पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी आपको मिलती है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। मैं जब दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में पढ़ा रहा था उस समय एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में बताया था और मैं कहा था इसकी चर्चा आगे भी जा कर के करूँगा, तो वो महत्वपूर्ण नदी है स्वर्णरेखा नदी। और मैं उस समय कहा था कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो सिंहभूम में सरायकेला खरसावा और पश्चिम सिंहभूम से होकर भी बहती है, ठीक है। और तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार, रांची का नगड़ी गांव, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 11,868 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी विशेषता क्या है, यह हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है और इसकी जो रेत में है सोने के अंश पाए जाते हैं और इसी कारण इसे स्वर्णरेखा नदी कहते हैं। यही स्वर्णरेखा नदी है, ये देखिए यहाँ नगड़ी गाँव से निकल के ये स्वर्णरेखा नदी इस तरफ से बहती है और यही स्वर्णरेखा नदी सरायकेला खरसावा से होकर भी बहती है और यहाँ चांडिल में ये चांडिल डैम का निर्माण करती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा जब मैं झारखंड के डैम के बारे में पढ़ाऊँगा उस समय चांडिल डैम का और भी डिटेल से आपको बताऊंगा। बस आप याद रखिए कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन से डैम बने हुए हैं, चांडिल डैम बना हुआ है और इससे पहले मैं बताया था कि और एक डैम बनता है इसमें गेतलसूद डैम जो रांची से कुछ दूरी पर बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर जब ये कोल्हान प्रमंडल में प्रवेश करता है तो ये चांडिल में चांडिल डैम का निर्माण करती है। और एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिणी कोयल नदी, इसके बारे में मैं भी बता चुका हूँ और इसका उद्गम स्थान भी कहाँ है, रांची का नगड़ी गांव, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है, संक नदी में जाकर ये समाप्त हो जाता है। ये देखिए दक्षिणी कोयल ये इधर से होते हुए पश्चिमी सिंहभूम से सटते हुए ये बहती है, ठीक है। और कुछ अन्य सहायक नदियाँ जैसे खरकई नदी, ये भी स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है, सरायकेला खरसावा में बहती है। कारो नदी भी इधर से निकलती, ये भी जो दक्षिणी कोयल नदी है इसका एक सहायक नदी है। कुमारी नदी ये भी एक छोटी सी नदी है जो सरायकेला खरसावा में बहती है और सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में बहती है और ये भी ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। जब मैं नदी का एक डिटेल से एक लेशन बनाऊंगा उस समय आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है और कौन सा नदी कहाँ जाकर उसका मुहाना है और कहाँ जाकर वो समाप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ के प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके आता है थाकोरा जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम सिंहभूम के मंझारी प्रखंड अंतर्गत बिदरी गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। धारागिरी कहाँ स्थित है, घाटशिला। तो ये घाटशिला कहाँ स्थित है, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। घाटशिला से 18 किलोमीटर की दूरी पर धारागिरी जलप्रपात मिलता है। फिर हिरनी जलप्रपात में मैंने जब दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का पढ़ा रहा था उस समय भी इसकी चर्चा की थी कि रांची चाईबासा मार्ग पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर स्थित है और ये कहाँ स्थित है, पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है हिरनी जलप्रपात, ठीक है। 3 जलप्रपात मुख्य है, थाकोरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, पश्चिम सिंहभूम में। धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, घाटशिला में जो कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है, रांची चाईबासा मार्ग पर जो कहाँ स्थित है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ की मृदा किस प्रकार की है। तो इस बहुत ही एकदम डाउट इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ की जो संपूर्ण मृदा है वो किस प्रकार है, लाल मिट्टी है, ठीक है। अगर आपका आएगा कि पश्चिम सिंहभूम में कौन सी मिट्टी है तो बेझिझक आपको मार सकते हैं लाल मिट्टी। पूर्वी सिंहभूम में कौन सी मिट्टी है, बेझिझक मार सकते हैं लाल मिट्टी। इसके जो कुछ कुछ भाग हैं पूर्वी सिंहभूम का, वही ढालभूम का कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बाद बाकी हर जगह सरायकेला हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, हर जगह लाल मिट्टी पाई जाती है। बस आपको थोड़ी सी याद रखना है कि एकदम जो ये जो ढालभूम का क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम का जो ढालभूम का क्षेत्र होता है वहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य अथवा जैविक उद्यान मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दलमा अभ्यारण्य आती है जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें कौन कौन से जीव के लिए फेमस है,
हाथी, तेंदुआ, हिरण आदि यहाँ मिलते हैं। फिर आती ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावा। इसका स्थापना डेट तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसकी स्थापना डेट वही है जो चांडिल डैम का स्थापना डेट है। मैंने आपको कहा था कि चांडिल डैम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चांडिल डैम कब बना था? 1973 में बना था। तो यही इसका इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है कि ईचागढ़ पक्षी विहार का स्थापना कब हुआ, जब चांडिल डैम का स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ साइबेरियन पक्षी के लिए ये फेमस है। बहुत सारे साइबेरियन पक्षी हर साल यहाँ अंडे देने के लिए आती है। फिर टाटा जूलॉजिकल पार्क है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 3 मार्च 1994 को इसकी स्थापना और उद्घाटन किया गया था। इसमें यहाँ कौन कौन से प्रमुख जीव मिलते हैं? बाघ, तेंदुआ, मोर, मगरमच्छ, ये जीव इसके लिए ये फेमस है। आगे देखते हैं इन सब टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। दलमा गजाभ्यारण झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैंने कहा दलमा जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, डिमना डैम किस नदी पर स्थित है? ये भी डैम स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी पर ही बनती है। ये कहाँ स्थित है? कौन सी नदी में स्थित है? ये स्वर्णरेखा हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। ठीक है, कोलान प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो बेझिझक कोलान प्रमंडल में 3 जिले हैं। उसके बाद आगे देखते हैं सरायकेला खरसावा जिला का गठन कब हुआ था? तो मैंने बताया था सरायकेला खरसावा का कब गठन हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो मैंने इसको बार बार कहा कि रांची के नगड़ी गांव से निकलती है और यहीं से इसी कुछ दूरी से स्वर्णरेखा नदी भी निकलती है। चांडिल डैम किस पर नदी पर बनी है? चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर बनी है। मैंने एक बार फिर से कहा था आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर होता साल की झारखंड का जो राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है उसका वो कौन है, तो वो हो जाता साल। ठीक है, आज का जो प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि केलुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है, और आपके ऑप्शन हो जाएंगे चतरा, हजारीबाग, लातेहार। मैं आपका फिर से कहूंगा कि आपको जितने इस क्वेश्चन के बारे में जितने डिटेल्स पता होंगे आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो एक बार लिख देंगे उसको आप नहीं भूलेंगे। तो धन्यवाद हमारे वीडियोस देखने के लिए। अगर इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।